इस मैजिक वाटर में इतना सा पावर है जो कि आपके बाल को बस कुछ ही दिनों में बिल्कुल ऐसा, जी हाँ ऐसा ही लंबा कर देगा। तो चलिए देख लीजिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो देखिए, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही घर का एक चीज़ से ये मैजिक वाटर बनता है जो कि बालों को फुल कैरेटीन वाला नरिशमेंट देगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी इसके होते हैं। तो देखिए, इसको क्या करना है कि मैंने जो घर पे जो आप लोग चावल खाते हो ना, उस चावल को आप रात में भिगो दीजिए, मतलब एक दिन पहले, जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है उसके एक दिन पहले भिगो दीजिए और रात भर छोड़ दीजिए। रात भर छोड़ने के बाद में उसका जो पानी है उसका कलर देखिए इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप इसको एक दो दिन के लिए भी छोड़ सकते हो और इसका यूज़ करने के बाद में ना आपको एक बार में ही रिज़ल्ट समझ में आ जाएगा। अगर बालों में डैंड्रफ है या आपके बाल फिजी हो रखे हैं या फिर बहुत सारे लेडी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ग्रोथ रुक जाती हैं, बाल कहीं कहीं से निकल जाते हैं, खाली हो जाते हैं, या जिसका जो ये माथा होता है सामने वाला वो चौड़ा हो जाता है क्योंकि बाल नहीं होता वहाँ से उड़ जाता है, तो ये रेमेडी आपके लिए ही है। और आप इसको यूज़ करके देखना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और उम्र चाहे आपकी जो भी हो, आपके बाल रीग्रोथ होने लग जाएंगे, मतलब आपके दोबारा से बढ़ने लग जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान रेमेडी है। तो इस चावल के पानी को हम लोग को घर पे आप जो भी चावल यूज़ करते हैं खाने के लिए, वही चावल आप एक चम्मच रात भर भिगो दीजिए और उसका पानी जब इस तरह का कलर हो जाएगा ना, तो फिर आप इस तरह के कोई भी स्प्रे बोतल अगर आपके पास में है तो आप उस पर डाल सकते हो। अगर नहीं है तो जिस तरह से हम लोग बाल में तेल लगाते हैं वो उस तरह से आप लगा सकते हो। और ये हमारा मैजिक वाटर बनकर रेडी था। अब इसको हम लोग अपने बाल पे अप्लाई करेंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो जैसा कि मैं पहले ही बताती हूँ कि कभी भी अगर अपने बालों पे कोई भी चीज़ अप्लाई करो ना, तो पहले बालों को अच्छी तरह से कंघी ज़रूर से करना चाहिए। कंघी करने से क्या होता है कि हमारे बाल अगर कहीं पर थोड़े बहुत भी फंसे हुए हैं तो वो निकल जाएंगे और हमारे बालों को जो हम नरिशमेंट देना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से मिलेगी। अब अगर जैसे कि मेरे बाल लंबे हैं तो मैं इनको दो भाग में कर ले रही हूँ, और अगर अभी आपने बाल लंबा करने के लिए स्टार्ट किया है, छोटे हैं अगर आपके बाल, तो आप उसको ऐसे ही लगा सकते हो और फिर इसको देखिए इस तरह से स्प्रे करते हुए पूरे बाल में, मतलब पहले तो अपने स्केल्स पे अच्छी तरह से लगाइएगा, बहुत अच्छे से लगाना, जैसे कि हम लोग तेल लगाते हैं ना उस तरह से दाप दाप के बाल को पूरे स्केल्प पे लगाइए। उसके बाद में जो छोर होती है बाल के, जो निचली छोर होती है उस पर भी आप लगाइए। और अगर ये बाल आके ये पानी अगर आपके फेस पे गिर भी रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फेस को बहुत अच्छे से ये ग्लोइंग देगा। तो इस तरह से देखिए, जहाँ पे आपके बाल लग रहे हैं कि मेरे बाल वहाँ से उड़ चुके हैं, दोबारा वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो आप वहाँ भी इसको अच्छी तरह से मसाज कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया आप अपने घर पर मतलब हफ्ते में एक बार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, दो बार कर सकते हैं अगर तो और भी अच्छा है, मतलब आपको महीने में टोटल 3-4 बार कर लेना है। जो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 बार पे भी आपको काम करेगा, बाकी तो आपके यूज़ के ऊपर रिजल्ट है। तो आप इसको जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह से यूज़ कर लीजिए, तो मैं आपको सच में गारंटी देती हूँ कि आपके बाल कभी भी टूटेंगे नहीं, कभी भी झड़ेंगे नहीं, जो बाल गए हैं वो वापस चले आएंगे। ये एकदम मतलब देखा हुआ रिज़ल्ट है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। महंगा कैरेटीन जो होता है ना, राइस वाटर के सामने सब कुछ फेल है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो कि राइस वाटर जो है वो हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। ये ऐसा रेमेडी है जो कि हर किसी के घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होता है। जो लोग बहुत कुछ नहीं करना चाहते, जैसे मेहंदी नहीं लगाना चाहते, ताम झाम नहीं करना चाहते, तो वो एक ये ज़रूर ट्राई कर सकते, ये रेसिपी बोल सकते हैं इसको। और इस तरह से देखिए सारे बाल में अच्छी तरह से लगा लीजिए और फिर इसको लगभग हम लोगों को आधा से, मतलब नहाने से आधा घंटा पहले आप इसको अपने बाल पे लगा लीजिए और अच्छी तरह से इसको बंद कर लीजिए। और जब इस तरह से देखिए बालों पे पूरे लग गई ना, तो फिर इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया। देखिए इस तरह से प्रेस करने से क्या होता है कि बाल ना अच्छी तरह से बैठ जाता है। और देखिए मेरे एकदम एक एक बाल मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसको हम लोग कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो आधे घंटे रखने के बाद में इसको हम लोग नॉर्मल कोई भी शैम्पू जो भी हम यूज़ करते हैं उससे धो लेंगे। और ये ना हमारे बालों में कंडीशनिंग का भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, मतलब जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एक जो चीज़ है वो कितना काम हम लोग का कर रहा है। तो देखिए बस इसको इस तरह से मोड़ करके अच्छी तरह से कम आधा घंटा आप रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी चाहे उतना देर रख सकते हैं।
कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा होगा और भी अच्छे से आपके बालों को नरिशमेंट देगा। तो इसको देखिए मैंने अच्छे से लगा के, आप देख रहे होंगे कि बालों में पूरा तरह से लग चुका है। और इसको मैंने लगभग, मैं तो क्या करती हूँ मॉर्निंग में उठने के बाद में इसको लगाती हूँ, और जो बचा हुआ था ना उसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब चलिए वॉश के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाती थी। ये देखिए मैंने बाल को वॉश कर लिया है, और मैं आपको सच बता रही, ये भी मैंने धोया है और बस जस्ट हल्का सा सुखाया है इसको मैंने, और कुछ भी किया नहीं, कंघी भी नहीं किया। मैं आपको कंघी करके दिखाऊंगी। अच्छा, आपको पता है बाल को कंघी करने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, लाइक अगर आपने बाल को धोया है तुरंत, अपने हेयर को तुरंत ही वॉश किया है, तो कभी भी अपने बालों को ना गीला भी में मत कंघी कीजिएगा। कॉम हमेशा जो है आप अपने बालों को थोड़ा सुखा लीजिए, मतलब अगर पूरा ड्राई नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके बालों से पानी का मतलब 70% तो बाल सूखा होना चाहिए, तभी आप अपने बालों पे कंघी करिएगा। देखिए मैंने इतना सुखा करके आपको कंघी किया, देखिए इतने लंबे बाल हैं और बाल टूटने का एक भी नहीं। ये एकदम आपके सामने लाइफ प्रूफ है, ना तो धोते वक्त बाल टूटता है और ना ही कंघी करते वक्त टूटेगा। तो ये हमारा बाल भी अच्छी तरह से देखिए कंघी हो चुका है, और अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बाल में कितना अच्छा चमक आ गया है बिना किसी हेयर ट्रीटमेंट के, बिना किसी हेयर स्पा के। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, और अगर आपने इसे ट्राई किया हो और आपको कोई प्रॉब्लम आया हो, साइड इफ़ेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कभी आपको लगे कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, उसका भी हम आपको उपाय बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी ऐसे ही मज़ेदार हेयर केयर, फेस केयर सबकी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने इसे यूज़ किया है तो भी हमें इसका रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारा चैनल कहाँ से देख रहा है, वीडियो कहाँ से देख रहा है, यह हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।